बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, कैसी होगी, कैसी कंडीशन में होगी वो। तो ये रही मेरी गाड़ी, देखो ये बम्पर वम्पर सब निकाल दिया इन्होंने और चलान बता रहे हैं ये 35,000 रुपए का। मैंने तो चारों तरफ मेहंदी मेहंदी लग रही है यार, मेरे को नहीं लग रहा आज नंबर आएगा आपका। डॉलर, खुश हो जाए, होंडा सिटी मिल गई है डॉलर। काट क्यों रहा भाई, खुश होना चाहिए तेरे को तो होंडा सिटी मिल गई। अच्छा ठीक है भाई, खुश है तू, मेरे को पता। अच्छा ठीक है भाई, मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि होंडा सिटी मिल जाएगी और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, कैसी होगी, कैसी कंडीशन में होगी वो, महीने भर से नहीं चलाई मैंने। तो वो बैठे डैडी, कंफर्म है ना मिल गई है? अरे अभी जाके देख लेते हैं यार, अभी मुझे फोन आया है अभी देख कि ऐसी ऐसी गाड़ी है कुछ, शायद हमारी हो सकती हो। चलो निकालो जल्दी, चलो फिर। A few moments later. तो अभी हम आ गए हैं MCD के ऑफिस, चले अंदर चले। हाउस कास्ट वाला, आज से पहले स्लिप बनेगी, फिर अपने इलाके के MCD ऑफिस में जाके वो मैं सबमिट करूंगा चालान के साथ। तो आज दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया क्योंकि जिस ऑफिसर से हमें गाड़ी छुड़ानी थी जो पेपर हो वो है ही नहीं ऑफिसर, वो कह रहे राउंड पे चले गए कल आएंगे। इतने आप एफिडेविट बना दो और अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी सबमिट करो। तो अभी वो करवाने आऊँ यहाँ पे पीछे। अभी मैं आया हूँ चिराग दिल्ली के, ये फेमस कुलचे बनाते हैं भाई साहब, खैर कुलचा बनवाते ही। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम बंटी शर्मा जी। बंटी, बंटी साहब गाड़ी उठाते थे क्या पहले? नहीं वो बंटी बबली वाला। तो समझ गया यार, ये फायर कुलचा बहुत स्पेशल है यहाँ पे। फायर कुलचा कहाँ है एक? अभी बना लेते, बनाओ। आटा फायर कुलचा, ये आटे का कुलचा है, ठीक है, सिंगल ही बनवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा भूखा है नहीं। अभी फायर कुलचे में क्या है, मिर्ची डाल देंगे तो फायर निकाल लीजिए। मिर्ची मसाला, मिर्ची मसाला ये डल रहा है बढ़िया तरीके से, क्या बात है भाई। पे जोमेटो के भी ऑर्डर आते हैं यार, क्या बात है, बढ़िया आते हैं जोमेटो से ऑर्डर। होम डिलीवरी भी है, फ्री होम डिलीवरी भी है। तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल डाल दूँगा इनकी, अगर आपको खाना है तो ये अथॉरिटी पे 6 रहेगी रोड पर, ये देखो पीछे मेन रोड है भाई। तो खा के रिव्यू करते हैं यार, आ जाओ। आकाशी लेके आया था मेरे को, तो ये भाई कुलचा बड़ा सेक्सी है, बटर से भरा पड़ा है और मिर्ची है और सब है। इसकी खास बात यह है कि आटे का कुलचा, ब्राउन कलर का। छोले ऐसे हैं, तरी वाले छोले हैं, वो नहीं, वो सूखे छोले घुमा देते हैं ना मेन रोड पे, वो वाला सिस्टम नहीं है, एकदम तरी वाले हैं ये देखो। अगर किसी को खाना है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कार्ड, होम डिलीवरी भी है, गूगल मैप लोकेशन डिस्क्रिप्शन बढ़ाओ। कितने रुपए की प्लेट है? नॉर्मल 50 रुपए की आटा पनीर कुलचा, 70 रुपए प्लेट है और बाकी भी 70 रुपए प्लेट ही है। बहुत बढ़िया, आओ खाओ। अभी मैं आ गया MCD के, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ हैं और मेरी होंडा सिटी है, देखता हूँ इसकी कंडीशन कैसी है अभी। तो इस वेयर हाउस में है मेरी गाड़ी, अंदर चलते हैं। तो हमारी गाड़ी है यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो ये रही मेरी गाड़ी, ये देखो ये बम्पर वम्पर सब निकाल दिया इन्होंने, कूड़े में पड़ी है, इसका शीशा भी तोड़ दिया और आगे का बम्पर भी उखड़ गया, वो देखो। गाड़ी जाएगी क्या? पूरी गाड़ी जाएगी अभी धीरे धीरे। हाँ, और ये पूरी डिस्ट्रॉय हो गई और ये पूरा उसके साथ खड़ी है, ये पूरी स्क्रैप गाड़ियों के साथ खड़ी है, ये देखो पूरा स्क्रैप का। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ, क्योंकि चालान 35,000 रुपये, गाड़ी बिकेगी 50,000 रुपये की। सर यहाँ अंदर गाड़ी खड़ी है और मैं भाई को बुलाया, कार डीलर है, तो सीन ऐसा ही है, मेरी गाड़ी को स्क्रैप समझ के उठा ला है। मेरी गाड़ी की अभी 2 साल और वैलिडिटी है, 2007 मॉडल है। और ये क्यों लाए यार ये गाड़ी? सर ये गाड़ी की स्क्रैप की उस पर लाए हैं कि ये गाड़ी स्क्रैप है, इनके 2 साल बचे हुए हैं अभी, और ये स्क्रैप के बेस पे लाए कि इन्होंने बोला कि ये गाड़ी स्क्रैप में आई है। और कह रहा था नो पार्किंग में भी हो सकती है, मैंने अगर नो पार्किंग की होती तो वहाँ थाने जाती वहाँ, और वहाँ नो पार्किंग का भाई पर डे का 2,000 रुपये का चालान नहीं है जो इन्होंने 37,000 रुपये का बना के भेजा है ना। हाँ, नो पार्किंग का अगर उठाते तो ट्रैफिक पुलिस वाला उठाता है, वो आता और आपके ऐप से कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हैं, चालान आता है आपके फ़ोन पे और आपको फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी उठाई गई है, यहाँ पे आ रही है सकेट के पीछे। तो अब क्या करें, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कल ऑफिस जाऊँ, वहाँ पे दोबारा मैं समझाऊँ कि स्क्रैप की नहीं, आरसी दिखाऊँ, शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग करके छोड़ दे, नहीं तो फिर मैं बाइक गाड़ी लेके ही नहीं जाऊँगा, सड़ने दूँ अब, नहीं तो यार 40,000 कौन देगा इसके लिए, 50,000 की तो मेरी सेल ही हो रही थी, 50-60,000 की। हम ऑफिस से निकल के आए हैं तो उन्होंने बोला है भाई तुम्हारी गाड़ी पर जुर्माना है, और जुर्माना है पर डे का 2,000 रुपये का। गाड़ी मेरी उठी थी 20 तारीख को और चालान बता रहे हैं ये 35,000 रुपये का। मैंने कहा यार इतने की तो गाड़ी नहीं है, क्या बोलते हो?
और 35,000 रुपए लगते हैं। बट किस बेसिस पे उठाई हुई, अगर नो पार्किंग की होती तो ट्रैफिक पुलिस वालों पे आती है। एमसीडी वाले लेके क्यों गए? एमसीडी वाले स्क्रैप वाली गाड़ी लेके जाते हैं कि जो स्क्रैप होती है, बट मेरी गाड़ी तो स्क्रैप है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले वहाँ उनके ऑफिस जाऊँ जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, उनसे बात करूँ किस बेसिस पे उठा के लेके गए हैं, क्योंकि पार्किंग भी वो सेफ जगह खड़ी हुई थी जहाँ पे लोगों की खड़ी रहती है, पार्क के किनारे, कोई बीच रोड पे किसी के घर के सामने ऐसे नहीं खड़ी थी वो। क्या बोलते हो, 30,000 लेंगे तो गाड़ी लें या वहीं रंद? नो वर्थ, वर्थ नहीं है ना, वही भागा दौड़ी करो, फिर पेपर बनवाओ, फिर 35,000 रुपए भी दो, नहीं उठाते फिर पड़े रहने दो उसको। अरे मम्मी आ गई शायद। ओ हो करवा लाई अपने बालों का डोली। ये देखो कैसे भागता है। हाँ स्ट्रेट करवाया आपने। डोली डोली देखो। अच्छा सब्जी ले आई हो? मेरा सामान लाई, मेरा माल लाई। आइसक्रीम क्यों, ठंड हो रही है? अरे नहीं यार लेके आओ। क्या क्या दूध लाई हो? कैसे कुत्ता डोल मुंह पूरा चढ़ जाएगा डोल। ये कह रहा मुंह खोलो। अभी मैं आ गया हूँ घर और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था, कल मेरा एग्जाम भी है तो मैं आते ही सो गया था। अपने टैब से मैं पढ़ रहा हूँ कल के एग्जाम की। खाते खाते मुझे भूख लगी तो मैंने कुछ स्विगी से ऑर्डर करा, ये पेप्सी आई है, ये पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, और ये तो रोल सा लग रहा है मेरे को, वेज है, और ये कुछ फ्राइज है। मैं स्विगी पे स्क्रॉल कर रहा था, कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ नया मक्खा ट्राई करने का मेरा मन था, बट ये दिखा, ये पता नहीं कुछ आया है, नाम मुझे नहीं पता, बट टेस्टी है यार। हाँ टाको बेल, टाको बेल से आई है, सबसे सही मुझे ये लगा। ये देखो पापड़ है, पापड़ के अंदर सब्जियाँ भरी हुई हैं, काफ़ी अच्छा है। मात्र एक घंटा गाली सुनी है मम्मी से, मतलब इतना सुना है मैंने। क्या करा जाएगा गाड़ी का? गाड़ी का आप रहने दे, इतना पैसा लगाएगा फिर है ना खड़ी कर देंगे, खड़ी होकर के खराब होगी, फिर पैसा लगाएंगे। क्या कर सकते यार, मैंने जानबूझ के खड़ी तो करी नहीं थी, और घर के नीचे ही खड़ी करी थी पार्क पे। अब जैसे आपको पता मेरे नाना के साथ हुआ था तो अर्जेंटली जाना पड़ा, है कि नहीं? वैसे गलत बात है, एमसीडी वालों को मेरे को अच्छी नहीं लगी ये चीज है? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगी, हमारी मजबूरी थी, रात को खड़ी करके हम जल्दी जल्दी भागे, तो मेरी गाड़ी को स्क्रैप समझ के ले गए, ये चीज गलत है। और 2,000 रुपए पर डे का, ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल हो गया गाइस। बहुत दुख हो रहा है, मैंने कमाया था, मैं सोच रही थी कि चल है ना मेरे मेरी कम से कम है ना पहचान तो है अभी। पहचान कूड़े में सड़ रही है। मैं जा रहा हूँ मम्मी को मेहंदी लगवाने, जैसे कल करवा चौथ है तो मेहंदी लगवानी, चले तो अभी मैं जा रहा हूँ हायाबुसा पे, तो बहुत टाइम बाद निकाली है मैंने हायाबुसा। कल ठंड बढ़ गई है दिल्ली में पता नहीं क्यों, और मैं पास में ही जा रहा हूँ घर के नीचे वाले मार्केट में, तो हेलमेट के लिए मत बोलना भाई प्लीज। मार्केट में कितनी भीड़ है भाई साहब, इतनी भीड़, कोरोना का कोई डर ही नहीं है। तो चारों तरफ मेहंदी मेहंदी लग रही है यार, मेरे को नहीं लग रहा आज नंबर आएगा आपका। हाँ वेटिंग में चल रहा सारा, बट ये है भाई किसी को कोरोना की टेंशन ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों। तो जितनी देर मैंने रोल बनाया मम्मी की गंदी आवाज़ आगे चल जाती है, अब देखो आगे शॉपिंग कर रही है वो, जा रही है। अरे रुको यार, अरे कहाँ जाए जा रही हो, क्या शॉपिंग करनी है इतनी भीड़ में? कैसा लग रहा है मार्केट? मार्केट जैसी लगे और कैसा लग गया। मेरे को आधा घंटा हो गया यार वेट करते करते, इतनी मेहंदी लगाओगी यार, मैं जाऊँ क्या घर? अभी रुक जा, अभी तो स्टार्ट करिए लगाने तो दे। अरे यार घर पे लगवा लेना, आसान सा तो काम है, काम है तो तू लगवा ले, तू लगा दे। ये चैलेंज दे रही हो? हाँ चैलेंज दे रही है मम्मी। तो एक काम करते हैं फिर, तेरे 1,00,000 लाइक आ गए ना, लाइक्स आ गए तो मैं तेरे मेहंदी लगाऊंगी, लगवाऊंगी और मार्केट घुमाऊंगी। अच्छा ओह शिट, चैलेंज भाई बड़ा खतरनाक पड़ जाएगा मेरे को। ठीक है फिर डन है, ठीक है हाँ डन है यार, फटाफट 1,00,000 डिसलाइक कर दो, मैं नहीं लगाना चाहता मेहंदी, 1,00,000 डिसलाइक चाहिए, अगर 1,00,000 लाइक आ गए तो मेरे को मेहंदी लगा के घुमाएंगे मम्मी, बहुत बेशर्मी वाले हाल हो जाए, तो फटाफट 1,00,000 डिसलाइक कर दो, वीडियो पे 1,00,000 लाइक कर दो इसको है ना, मेहंदी लगा करके घुमाना मुझे, ठीक है? तो देखते हैं शर्त कौन जीतता है, तो ये वीडियो यहीं एंड करते हो, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये लाल कलर का बटन दबा के, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का ऑप्शन दबा देना, उससे क्या होगा आप पे नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डाल दूंगा। तो देखते हैं शर्त कौन जीतता है 24 घंटे में।